नमस्कार सूर साहब, दिल्ली वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कोरोना वायरस का आतंक धीरे धीरे चीन से स्टार्ट हुआ और आसपास के देशों में फैल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबको पता है कि चीन से कोरोना वायरस शुरू हुआ और चीन ने कहा कि पहले 500 लोग मरे थे, 700 लोग मर गए, लेकिन उसके साथ ये सुनने में आया कि शायद यहाँ पे हज़ारों लोगों की डेथ हो चुकी है। और चीन ने अपने सुप्रीम कोर्ट से कहा, परमिशन लेने की है कि जो 20,000 लोग उनके कोरोना वायरस से जो अफेक्टेड हैं उनको मारने की परमिशन दी जाए। और साथ में लगता है कि मिलियंस जो लोग हैं वहाँ पे अफेक्टेड हैं, जिन पे खैर उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी कि चीन ने 10 दिन के अंदर वहाँ पे 1,000 बेड का हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि चीन ने अपने वर्ल्ड में प्रोग्रेस की, लोगों को पैसे बांटे, जगह जगह सब कुछ किया, लेकिन उसने अपनी हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दिया, बहुत इग्नोर किया है। इस चीज़ से बात टोटल क्लियर हो गई। तो अब क्या है कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा कि इससे 600 बिलियन डॉलर से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर तक का चीन को की इकोनॉमी पे इफेक्ट हो सकता है। GDP उनकी 2% कम हो जाएगी इस क्वार्टर में, और इसकी जो कुछ बड़ी रिपरकशंस होगी चाइना के ऊपर भी होंगी। चाइना के एक और इफेक्ट हो रहा है कि उसने जगह जगह लोगों को, छोटी छोटी कंट्रीज़ को पैसे दिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और उनको वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे, तो उनकी इकोनॉमी पे भी कुछ असर पड़ रहा है इन चीज़ों से। नहीं, जिस तरीके से मान लीजिए कि ये जो कर रहा है, क्योंकि ये आज तक देखा गया है कि चीन कभी भी दूसरे देशों के जो छोटे छोटे देशों को ही एक्वायर करता रहता था, और सारे देश जो आसपास के देश थे इसके अगेंस्ट थे। जहाँ तक कि इंडिया की देखा जाए तो फर्स्ट एनिमी ऑफ इंडिया का है, तो भी इंडिया इसको समर्थन कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि हर एक कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। चीन से हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी, लेकिन मोदी साहब के पिछले टेन्योर में चाइना के प्रेसिडेंट से हमारी कम से कम 12 या 13 बार मोदी की डायरेक्ट बात हुई है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के उस पर, और जहाँ पे चाहे UN या कहीं पे, और विजिट्स भी हुई हैं। तो एक कोशिश ये की जाती है कि जो भी हमारे डिफरेंस है उसको रिजॉल्व किया जाए, एक वो चीज़ होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, आप कुछ भी कहिए, चीन हमारा एनिमी नंबर वन है। क्यों? 3 रीजन पे एनिमी नंबर वन है। एक तो बॉर्डर पे हमको तंग करता है, हमारा एरिया क्लेम करता है। दूसरा, हमारा इंटरनली जो है नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है। तीसरी बात है कि पाकिस्तान को कश्मीर और दूसरे इश्यूज पे सपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ ही हमें सी में भी काउंटर करने के चक्कर में था, सी में इंडिया को घेरने में लगा हुआ था, बेसिस बना ली थी, लेकिन वो हमने टोटली डिसमेंटल करवा दी है इसकी बेसिस, और इंडिया ने अपनी बेसिस बना ली है। तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इनके साथ कुछ चीज़ें सॉल्व हुई हैं, क्योंकि हमारी ट्रेड भी चीन के साथ चलती है। पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ट्रेड नहीं है, चाइना के साथ हमारी ट्रेड भी है, बहुत ज़्यादा है, हमें उस पर डिपेंडेंट है, वो ऑपोजिट पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ें हैं। लेकिन इनकी कुछ अपनी हर एक कंट्री की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, तो उससे हम ये नहीं कह सकते हमारा दुश्मन है, लेकिन हमको उनको तरीके से काउंटर करना है। जैसे इसको बॉर्डर पे काउंटर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, सी में काउंटर करने के लिए बेसिस बनाई थी, अपरूट करके इंडिया ने अपनी बेसिस बना ली। पाकिस्तान को ये जो सपोर्ट कर रहा था CPEC के ऊपर कर रहा था, या जो कुछ है, अब उस पर एक अफेक्ट पड़ेगा कि चाइना की जो इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो चाइना पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा, और एक राइट टाइम है इंडिया के लिए पाकिस्तान को भी एक सबक सिखाना, उसको काउंटर करना। जिस तरीके से देखा जा रहा है, पिछले न्यूज़ रिपोर्ट में आ रही है कि जो कोरोना वायरस है इसका जो समाधान है, क्यों एक कुछ इंडियन वैज्ञानिक हैं इसके पीछे जो शोध कर रहे हैं। देखिए, मैं देखा US के भी कर रहे हैं, इंडिया के भी कर रहे हैं, और इंडिया को इसमें बहुत ज़रूरत है। इंडिया को अपना हेल्थ पे इसमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इंडिया को कि इसको पहले से प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, शायद ले भी रहे हैं, लेकिन मोर इफेक्टिवली हमारी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री को ख्याल रखना पड़ेगा कि ये वायरस किसी तरीके से इंडिया में ना फैलने पाए, जबकि प्रिकॉशंस ली जा रही है, और हमको एक्स्ट्रा कॉशस होना पड़ेगा। पाकिस्तान की छोड़ दीजिए, पाकिस्तान इंडिया ने तो अपने लोगों को वहाँ से निकाल लिया, और सुनने में आया शायद कुछ और लोग भी हैं, और इंडिया ने 5 हमने सॉर्टीज की थी, तो इंडियन अपने जितने भी होंगे उनको फिर निकालेगा। पाकिस्तान ने तो अपने लोगों को छोड़ दिया। और दूसरी बात है कि ये भी सुनने में आया, कुछ वायरस इफेक्टेड लोग चाइना से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान ने उनको अपने अंदर ले लिया, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पैसा चाहिए, वो इसमें कुछ अपोज नहीं करेगा चाइना को। तो हर एक का, दोनों का, कंट्रीज का अपना अपना सिस्टम है अपना। जिस तरीके से पिछले मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जिस तरीके वहाँ के जो लोग हैं इन्फेक्टेड लोग हैं, उसमें क्या है, चाइना उनको क्या जबरदस्ती घरों से निकाल के लेके जा रही है, तो क्या बिल्कुल देखिए, चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी थोड़ी है। अब जिस डॉक्टर ने ये वायरस को बताया कि वायरस ये फैल गया, उसको उठा के जेल में डाला, जेल में मार दिया उसको,
कुछ लोगों को जला दिया। चाइना बेसिकली वो उसको कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, ये तो हमारे चाइना को कोई अंदर के उनके सिटीजन्स भी ये चीज़ उनको पता है कि चाइना के बारे में, ये तो हमारे कम्युनिस्ट हैं जो चाइना के दोस्त बने हुए, इनको बेसिकली इनको तो अगर इंडिया किस तरीके से चाइना भेज दे तो चाइना तो इनको दफना देगा कि जितने भी आपके बैठे हैं कन्हैया कुमार और ये लोग बैठे हैं या हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं CPM के, ये अननेसेसरी चाइना को प्रमोट करते हैं और क्योंकि इनको पैसा मिलता है, नेशनलिज्म इनका है नहीं। तो इसमें जो चाइना का जो एटीट्यूड है वो अपनी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं। और आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर नाम की डेमोक्रेसी है, उनकी आर्मी रूल करती है, कभी किसी को मारा कभी किसी को मारा, किसी को कन्वर्ट कर दिया कुछ कर दिया, ये दो कंट्री वर्ल्ड में एक लाइबिलिटी बनी हुई है। जिस तरीके से यहाँ पे वो आतंक फैला हुआ है कोरोना वायरस का और इस तरीके से इसकी अर्थव्यवस्था दिन पे दिन डाउन होती जा रही है, तो क्या लग रहा है इसका जो भारत के प्रति जो रवैया है वो नरम आएगा? देखिए रवैये की बात यह है कि भारत की जो इंडिया की जो मेन चाइना के साथ प्रॉब्लम है वो है बॉर्डर प्रॉब्लम, जो चाइना हमारे पे अननेसेसरी क्लेम करता है वो प्रॉब्लम है और चाइना उससे बाज नहीं आएगा, चाइना उसको मेंटेन करेगा क्योंकि चाइना के एजेंडे में 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको वो कंट्रोल करना चाहता है जिससे उसको डर भी लगता है, एक जापान है, एक साउथ कोरिया, एक वियतनाम और इंडिया। तो इनके चक्कर में चाइना जो है स्पेशली इंडिया से उसको ज़्यादा कंसर्न है, जापान थोड़ा साइड लाइन हो जाता है, उसको ये कंसर्न है इनके साथ कि इनको किसी ना किसी दबा के रखे कि फ्यूचर में उसको इंडिया से ये है कि इंडिया एक बिग पावर हो सकती है जो चाइना को काउंटर कर सकती है, तो इससे चाइना इंडिया के खिलाफ तो एंटी रहेगा ही। लेकिन हमने प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं कि हम चाइना को कैसे दूर रख सकते हैं, जैसे बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सीमेन हमने उनको हटा दिया, और चाइना को ये पता है कि अगर इंडिया से लड़ाई करेगा तो उसका हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड हैं वो मलक्का स्टेट के माउथ में है, तो इंडिया चाइना की हमेशा जो है सप्लाई को बंद कर सकता है, चाहे पेट्रोल या बाकी उसकी ट्रेड बंद कर सकता है। तो चाइना चाहे अंदर से दुश्मनी निकालता है, लेकिन आप देखिए 62 में वार हुआ, जितना भी कुछ हुआ 67 में जो कुछ लड़ाई हुई तो उसमें 80 हमारे सोल्जर्स इंडिया के मारे गए थे, 400 चाइना के मारे गए थे, उसके बाद हमारी कभी आपस में बॉर्डर में फायरिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। चाइना जो गेम खेलता है वो अंडर हैंड गेम खेलता है और उसको गेम खेलने में पाकिस्तान सपोर्ट करता है। तो हमको अगर चाइना, अगर हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट की मिलिटेंसी थी वो आज कंट्रोल कर ली, जब हमारा वहाँ पे एग्रीमेंट हुए नॉर्थ ईस्ट NSCN के साथ एग्रीमेंट हो गए, बोडोस के साथ एग्रीमेंट हो गए, तो एक हिसाब से मोर लेस और जो भी हम के नॉर्थ ईस्ट के मिलिटेंट्स के जो कैंप्स थे म्यांमार में या इवन ये लोग जैसे आपके भूटान के अंदर थे वो सारे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो वहाँ पे चाइना का हमने एक तरफ से चाइना को कंट्रोल कर दिया, अब एक जो मेन इशू रह गया वो पाकिस्तान का रह गया। चलिए जिस तरीके से ये इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी 28 देशों में ये वायरस फैल चुका है, तो क्या कहीं ना कहीं लग रहा है ये चाइना की कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है? देखिए साजिश तो चाइना की थी, इंटेंशन तो उसकी ठीक नहीं थी उसको क्योंकि वो बेसिकली ये जो वायरस जो कहते हैं मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो वायरस जो डेवलप कर रहे थे वो काउंटर करने के लिए थे कि अगर अमेरिका के साथ की लड़ाई होती है तो वायरस यूज़ करेंगे, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो उसको पता चाइना को कि अगर मैं उनके साथ न्यूक्लियर वेपन यूज़ करूँगा तो अमेरिका इसको एकदम तहस नहस कर देगा, चाइना को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन वायरस के साथ उनको ये प्रॉब्लम नहीं थी तो कहते हैं डेवलप इसीलिए किया था। लेकिन अब जो भी कोई सिचुएशन हो चाइना भुगत रहा है और ये एक सिचुएशन है, जबकि हमें इस चीज़ को कभी वो नहीं कहना चाहिए कि बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ये सिचुएशन है जिस टाइम पे इंडिया इसकी पूरी एडवांटेज ले सकता है टू पाकिस्तान को डील करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए 70 साल से सिरदर्द बना हुआ है और उनकी इकोनॉमी भी हमने खराब कर दी, लेकिन बाकी चीज़ें भी जो हमें अब जो डील करना है, पाकिस्तान का ब्रेकअप जो है एक इंदिरा गांधी ने किया था, अब इस गवर्नमेंट की एक ड्यूटी बनती है कि पाकिस्तान का ब्रेकअप करे, और ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट टाइम है पाकिस्तान को तोड़ने का, और उसके अंदर हमको टोटल डायरेक्ट सपोर्ट बलूचिस और MQM को देनी चाहिए। MQM जो है, मैं लोगों को फिर बता दूँ, MQM वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली सिंध में बेस्ड है, और ये लोग वो थे जो हिंदुस्तान से मुस्लिम पाकिस्तान गए थे, उनको पाकिस्तान एक टोटल स्पेस नहीं दे रहा, उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा, उनको पोजीशन नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इस टाइम पे दूसरी तरीका यही कहूँगा मैं कि इंडिया इन लोगों को अपनी कंट्री में बुलाए और इनको असाइलम दे। जब सारा यूरोप इनको असाइलम देता है बलूचिस को और MQM को, इंडिया को नहीं दे सकता। चलिए जिस तरीके से दूसरे देश इस परिस्थिति से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या इस स्थिति को ये कैसे हैंडल कर सकते हैं इंडिया? देखिए जी कैश इन हैंड, मैंने कहा कि इस टाइम के देखिए जो कुछ है, अब कुछ भी कहिए, चाइना हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। और दूसरी बात, पाकिस्तान की दुश्मनी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जैसे पाकिस्तान हमारे अंदर इन्वॉल्व हो रहा है और हमारे लीडर वहाँ जाके पाकिस्तान से भीख मांगते हैं कि इंडिया के खिलाफ एक्शन करो, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो
और सेम जाकर जैसे टर्की में भी इसे सपोर्ट मांगते हैं इंडिया को तोड़ने के लिए, तो हमें पाकिस्तान के साथ जैसे टर्की खड़ा है, मलेशिया खड़ा है, मलेशिया को डील करने के लिए तो इंडिया ने पाम ऑयल उसने इम्पोर्ट करना बंद कर दिया, उसकी वजह इंडोनेशिया की तरफ चले गए हैं। तो अब जो है पाकिस्तान को हमें इस टाइम पे चाइना वीक होने के साथ पाकिस्तान को डील करना चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, जबकि 62 का वार हुआ था वो वार में इंडिया तो प्रिपेयर था ही नहीं, इंडिया के पास था भी कुछ नहीं और कर भी कुछ नहीं सकता, तो चाइना ने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जबकि रशिया और यूएस दोनों लगे हुए थे अपने वार में क्यूबा मिसाइल केस में, तो उसमें टोटली इन्वॉल्व थे, चाइना ने वो सिचुएशन उठा करके इंडिया पर अटैक किया। तो अब इंडिया के पास एक सिचुएशन है कि जब चाइना अपने से जूझ रहा है तो इंडिया पाकिस्तान के साथ डील कर सकता है, बड़े इफेक्टिवली डील कर सकता है, तो इसको करना चाहिए। एक इस सांप को मारने का इससे बेटर टाइम इंडिया के पास नहीं आएगा। चलिए आपने इतनी अच्छी जगह काट दी, इसके लिए बहुत